स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्ट्रैक्ट करना है आपको. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना. सब्ट्रैक्ट माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ, ये वैल्यू दी हुई है -3/4, -3/4 एंड 1/3, तो ये कलेक्टिवली एक वैल्यू है. फ्रॉम द सम ऑफ, सम ऑफ किस किस का सम करना है, इसका सम करना है. आपको सिंगल नहीं बोला कि सब्ट्रैक्ट 3 from 5, आपको डायरेक्ट नहीं बोला उसने, एक सिंगल वैल्यू नहीं दिए आपको, उसने बोला है कि पहले इनको सॉल्व करो, इनका पहले सम करो, देन उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, राइट. तो पहले हम इनका सम करते हैं. सम ऑफ -3/4 एंड 1/3, तो इनका सम क्या होता है, तो इनको सम जब हम करेंगे, हमेशा रेशनल नंबर्स का सम कैसे होता है, बाय टेकिंग एलसीएम. तो एलसीएम 4 3 12, अब कैसे लेते हैं एलसीएम को, फर्स्ट रेशनल नंबर सॉल्व करेंगे, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 3, और इसी 3 को उसके न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिजल्ट आएगा -9. नेक्स्ट क्या साइन है, प्लस, राइट. फिर सेकेंड रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइड करेंगे 3 से, डिनोमिनेटर से 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4, यहां से रिजल्ट आता है हमारा -5/12. तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा रिजल्ट -5/12. देन नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ 2/3 एंड -1/2, इसको सॉल्व करने पे -5/12 आ रहा है. नाउ इसका एलसीएम लेंगे अगेन, क्योंकि हम इनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो इसका हम क्या लेंगे एलसीएम, सॉरी 3 2 6, सॉल्व करेंगे एलसीएम को, फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से सॉल्व करेंगे 2, और उसी 2 को न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर है 2, उससे मल्टीप्लाई 4 प्लस, नेक्स्ट साइन क्या है, प्लस. यहां ब्रैकेट लगा सकते हो क्योंकि दो साइन आपके एक साथ आए हुए हैं. नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, तो 6 एलसीएम डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से, रिजल्ट आएगा 3, और यही 3 न्यूमरेटर में है -1, उससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा -3. अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, +-3, तो यहां से आएगा रिजल्ट आपका 1/6. तो इसको सॉल्व करने पर आया है 1/6, पहले हमें ये सॉल्व करके दिखाना होगा, राइट. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने कर दिया है. अब ये क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा लिखूं, तो ये क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू -5/12 फ्रॉम 1/6. ये देखो, ये आप रफ में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो इस चीज को, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये. तो सब्ट्रैक्ट करना है -5/12 फ्रॉम 1/6, तो ये इक्वेशन किस तरह से बनता है, सब्ट्रैक्ट 2 from 5, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये एग्जांपल लिया जाए, सब्ट्रैक्ट 2 from 5, दो सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से, तो 5 में से दो सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आता है 3, यानी आप कैसे लिखते हो इक्वेशन को, 5 - 2 = 3. तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू आपकी पहले बड़ी बिगर वैल्यू होती है, बाद में इस तरह से, तो यही चीज हम इसके साथ करेंगे इस क्वेश्चन में, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू. ये इसलिए आपको रफली मैंने
रफली आइडिया दिया कि इक्वेशन क्या कहना चाहती है। तो फ्रॉम के बाद है 1/6, तो 1/6 एक्चुअल में क्वेश्चन क्या होगा, 1/6 माइनस, किसको माइनस करना है, माइनस 5/12 को। यहाँ दो देखिए दो साइन है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1/6 में से माइनस करना है माइनस 5/12। तो इसको हमने ब्रैकेट में रखा क्योंकि दो साइन थे, सिंप्लीफाई करें, यहीं पर ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो बाद में कर सकते हो। तो पहले अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम है 12। फर्स्ट रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे, इसकी तरफ नहीं देखेंगे, फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो 12 एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो रिजल्ट आएगा 2, और इसी 2 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आएगा यहाँ 2। नेक्स्ट साइन क्या है, माइनस। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 5। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, प्लस हो जाएगी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन रूल, यहाँ क्या लगाया हमने, मल्टीप्लीकेशन रूल, 7/12, तो ये आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।